अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे साथ है कैडेट अब्दुल्ला। इनसे आज हम करेंगे कुछ इन्फॉर्मेटिव सवाल, ताकि हमारे आने वाले जो न्यू यूथ के कैडेट्स हैं, इनके लिए पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद हो। हम अपने सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। कैडेट अब्दुल्ला, हमें कुछ अपने एक्सपीरियंस का बताएं कि ये जो न्यू यूथ आ रही है, ये को मतलब जब आप हॉस्टल में आते हैं, चूंकि ये हॉस्टल टाइप है, तो इनको ना मतलब फैमिली की बहुत ज्यादा फैमिली के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो जब आप गए थे तो आपका ये कैसा एक्सपीरियंस रहा था, कि आपको याद आई थी क्या, इसका कैसा रहा था? जी, हमारा जो पहले हमने जब कॉलेज को स्टार्ट किया था, ये जो न्यू जनरेशन है इसमें होता है, क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए होता है जो बोर्डिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं। हमारे ये होते हैं कि हमारे वहाँ पे HMs होते हैं, ठीक है, और हमारे HCs होते हैं और HSMs होते हैं। HC हाउस कैप्टन, और जो HSM होता है वो हाउस सर्जन कैप्टन होता है, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपको हर चीज की आपकी ख्याल रखा जाता है, आपको हमें 3 टाइम का खाना हमें प्रोवाइड किया जाता है, और अगर किसी बच्चे को किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, एज अगर उसकी कोई हेल्थी प्रॉब्लम है, अगर वो बीमार हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास डॉक्टर भी मौजूद है कॉलेज में। और उसके अलावा जो है कि बच्चा अगर उसको घर की याद आ रही है, तो उसमें HMs होते हैं जो उनकी बात करवा देते हैं घर पे, घर के लिए, ठीक है। और शुरू शुरू में बोरियत होती है, शुरू शुरू में हर अगर आप अपने घर को छोड़ के कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको शुरू शुरू में मुश्किलात पेश आनी है। और जब मैं भी गया था तो मुझे भी मुश्किलात पेश आई थी, पहले शुरू शुरू में मुश्किलात पेश आई, फिर हमारे दोस्त बन गए। जब दोस्त, तो फिर हम उधर ऐसे रहते हैं एज अ फैमिली रह रहे होते हैं, हमारे दोस्त ऐसे हैं कि हम भाइयों की तरह वहां पे रह रहे होते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले और हर किसी की हर मुश्किल में साथ देने वाले, हम ऐसे एज अ फैमिली वहां पे रह रहे हैं। इधर घर में भी जैसे रहते हैं हम, वैसे उधर ही रहते हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी तरफ से, जो मेरी तरफ से है कि मैं कॉलेज में इतना बोर नहीं होता जितना घर आके बोर हो रहा था। तो मतलब आपकी हॉस्टल लाइफ थोड़ा सा फन टाइप है जी। तो इस हिसाब से आप बताएंगे, मतलब जैसे कि आजकल लड़ाइयां वगैरह भी हो ही जाती हैं, तो अगर आपके हॉस्टल में किसी के साथ लड़ाई हो जाए, तो उसका मतलब किस तरीके से होता है? यहाँ जी ये जो लड़ाई है, लड़ाई वाला क्या हुआ था, क्या होता है कि अगर आप किसी के साथ लड़ते हैं, अगर आपकी मिस्टेक है, अगर एक दो कैडेट्स आपस में लड़ रहे हैं, आपस में उसकी जिसकी मिस्टेक होगी उसको रेस्टिगेट कर दिया जाता है। रेस्टिगेट में क्या होता है कि आप तो 3 साल तक किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते, और आपके ऊपर एक टैग लग जाता है कि आपने ये काम किया था, आपका जो सर्टिफिकेट बनता है उसके ऊपर आपका गलत एक टैग बन जाता है, ठीक है। आपको आगे जाके मसाइल होते हैं, रेस्टिगेट हो जाता है, अगर कोई लड़ाई वगैरह करता है तो उसके लिए बड़े मसाइल होते हैं। तो इसमें पनिशमेंट का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता, मतलब आपने पनिशमेंट दी जाए इंस्टेड ऑफ रेस्टिगेशन? पनिशमेंट तब होती है कि एज आपने किसी के साथ मुंह मारी की हो, और पनिशमेंट तब होती है कि ऊपर हाई लेवल तक वो बात को ना पहुंचाया जाए। पनिशमेंट तब हाउस मास्टर या HCs होते हैं वो पनिशमेंट दे देते हैं, जब ऊपर आपकी बात चली गई, अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा है, आपको अगर आप उस चीज को नहीं फेवर कर रहे, आपके साथ कुछ भी हाउस में अनफेवर हो रहा है, तो आपको है कि आप एजुटेंट जो होते हैं, हमारे कैप्टन होते हैं, अभी तो कैप्टन है, तो आप अपने कैप्टन को जाके, एजुटेंट को जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं, तो आपका फौरी मसला हल किया जाएगा। अच्छा, प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाती है। हाँ जी। तो अब जिस तरीके से हमारे हॉस्टल गए, तो इसमें स्टडी सीन क्या, मतलब आपके ट्यूटर्स अवेलेबल होते हैं, या पढ़ाई का आपको किस तरीके से गाइडेंस मिलता है? ट्यूशन स्कूल अलग, लाइक फॉर एग्जाम्पल बच्चों को न्यू ट्यूशन के साथ जाते हैं, तो हॉस्टल में कैडेट लाइफ में आपको ट्यूशन और ट्यूटर्स का क्या प्रॉब्लम? ये होता है कि हमारा, हम पहले कैंपस जाते हैं, हमारा 8:30 से 1:30 बजे तक एक कैंपस होता है, फिर जब हमारी दूसरे मगरिब से लेके इशा तक जो हमारी प्रेप होती है, उसमें एक टीचर होता है, जिस सब्जेक्ट का हर सब्जेक्ट के टीचर डिवाइड किए होते हैं कि फलां उस पे फलां टीचर जाएगा, फलां उस पे फलां जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को किसी किस्म का भी प्रॉब्लम है, किसी भी कोई चीज नहीं समझ आ रही, वो टीचर मौजूद होगा। अगर मैथ का प्रॉब्लम है, अगर मैथ का टीचर आपके हाउस में अवेलेबल है, तो आप उससे किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। और अगर कुछ कैडेट्स होते हैं जिनके ग्रेड्स अच्छे नहीं होते, एज अ सी ग्रेड होते हैं, और जिनके जो सब्जेक्ट वीक होते हैं, उनकी आखिर और उनकी क्लासेस ली जाती हैं, जैसे हमारी प्रेप होती है उनकी वैसी क्लासेस ली जाती हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का कैसा सिनेरियो है, क्या मतलब रोड लाइक फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल, स्पोर्ट्स, इसका आप लोग के कैडेट लाइफ में किस तरीके से इस्तेमाल आ रहा है? जी, इसमें ये होता है कि हमारा जो कैडेट लाइफ में स्पोर्ट्स को, तो आपको पता है कि आर्मी हर तरफ से स्पोर्ट को सपोर्ट करती है, गेम्स वगैरह इनको हर तरफ से सपोर्ट किया जाता है। और हमारे कॉलेज में तकरीबन बहुत बहुत ज्यादा गेम्स है, स्क्वैश है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, और जो माइनर गेम्स है
जैसे बैडमिंटन हो गया और भी कुछ माइनर गेम है, ये सारी हमारी उधर कॉलेज में है, प्रोवाइड है, ठीक है। और हमारे कॉलेज में जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे प्लेयर्स होते हैं, कॉलेज टीम के जो कुछ प्लेयर्स होते हैं वो हमारा कॉन्टिजेंट होता है, जिसे कॉन्टिजेंट कहते हैं, उसमें जाके बच्चे परफॉर्म करते हैं अपना। अगर हम जीतते हैं तो हमें ट्रॉफीज वगैरह भी, इनाम वगैरह, मेडल वगैरह हमें मिलते हैं, जो हमें आगे जाके सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। अगर हम किसी, अभी जैसे हमारे पिछले साल हमारे कॉलेज में हुआ था कि क्रिकेट का एक इन्होंने एफएफसी वालों ने शायद करवाया था, इनके साथ हुआ था, तो हमारा कॉलेज ने फर्स्ट पोजीशन ली थी, जिनकी वजह से हर बच्चे को एक सर्टिफिकेट मिला था और एक एक ट्रॉफी मिली थी। आपको सर्टिफिकेट का ये फायदा कि आप किसी अच्छी जगह पे जॉब करने जाते हैं या आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, इसमें तो आपको हेल्पफुल हो जाता है आपके लिए। तो ये है कि आप इसका आगे स्कॉलरशिप के साथ कुछ ताल्लुकात है, आप लाइक फॉर एग्जांपल आपको स्टूडेंट को लाइक कोई नहीं अफोर्ड कर पा रहा, लेकिन इज गुड इन स्पोर्ट्स, तो उसको स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप होती है। क्या स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप है कैरियर पे? नहीं, स्पोर्ट स्कॉलरशिप नहीं है। बहरहाल ये है कि आपका अगर 7th क्लास में पूरी क्लास में टॉप करते हैं तो आपका जो अगला साल है वो आपसे पे नहीं करवाया जाएगा, आपको उसकी फी नहीं भरनी पड़ेगी। अगर आप बोर्ड में टॉप नहीं करते, आप बोर्ड के हिसाब से पूरे कॉलेज में टॉप करते हैं, अपने कॉलेज में फर्स्ट आते हैं, तो आपका एक साल फ्री किया जाएगा। और स्कॉलरशिप में भी कुछ बच्चे सिलेक्ट होते हैं जो उधर के जो और जो बड़े इधर के जो मालिक हैं जो भी है, तो वो उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो टेस्ट देते हैं, टेस्ट में जो फर्स्ट आता है उसको वो एज अ स्कॉलरशिप रख लेते हैं। और इधर कंसेशंस का क्या है, फीस में कंसेशन, लाइक फॉर एग्जांपल कोई अगर अफोर्ड नहीं कर पाता लेकिन उसके पास स्कॉलरशिप का भी नहीं है, तो कंसेशंस होते हैं या नहीं? कंसेशन तो नहीं होते, लेकिन आपको वो ये कर सकते हैं, आपकी जो फीस है वो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कि यानी कि अगर हमारी फीस होती है वो 2 parts में पे की जाती है। अगर आपकी फीस आप नहीं पे कर पा रहे तो आपके 4 parts में भी आपकी फीस आप पे कर सकते हैं उनको। जैसे कि आपकी अगर 4 माह की फीस आप कट्टी पे कर दें, फिर 4 माह की ऐसे कर करके आप पूरे साल की फी पे कर सकते हैं। तो अब ये बताएंगे हॉलीडेज का क्या सिनेरियो होता है? हॉलीडेज का ये होता है कि हमें 40 days के बाद एक वीकेंड मिलता है, जिसमें हमें अगर फ्राइडे को हम घर पे आते हैं और मंडे को हमें वापस कॉलेज में जाना होता है। तो इसकी पर्टिकुलर टाइमिंग क्या है? पर्टिकुलर इसके 40 days के बाद होता है। पर्टिकुलर ये कि हमें वहाँ पे जाने का जो टाइम है, हमें जो पहुँचना होता है वहाँ पे 5 बजे एग्जैक्ट हमें वहाँ पे पहुँचना है। अगर 6 बजे भी कोई लेट होता है, कोई भी लेट, क्योंकि आपको पता है डिसिप्लिन वाली लाइफ में हर टाइम का हिसाब होता है। अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं तो आपको उसका हिसाब देना होगा और आपको उसकी पनिशमेंट मिलती है, ईडी बोलते हैं जिसको, एक्स्ट्रा ड्रिल, जिसको थोड़ी सी आपकी पनिशमेंट होती है। और पनिशमेंट तो वो चीज है कि हम खुद इंजॉय करते हैं, पनिशमेंट का कोई मसला नहीं है। अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है उसको कम से कम अगर पनिशमेंट का डर है ना, तो पनिशमेंट को उसका उसको डर लेने की अपने डर को वो पनिशमेंट के डर को खत्म करे। पनिशमेंट तो कोई मसला ही नहीं, फन है। बिल्कुल फन है, बिल्कुल। तो कैडेट लाइफ जो है हमारी बहुत ही फन लाइफ है, उसको आगे बहुत सही तरीके से एंजॉय करना अगर किया जाए जी, और उसको पनिशमेंट को ज्यादा सीरियस ना लिया जाए। और ये बताएंगे कि रैगिंग का क्या सिनेरियो है? रैगिंग होती है और मतलब अगर भी पकड़ा जाए या अभी क्या कोई ऐसा प्रीवियस केस आया है रैगिंग का या नहीं? जी, रैगिंग का ये होता है कि जो कैडेट कॉलेजेस होते हैं इनमें सीनियर्स तो अलाउ होती हैं, और ये रैगिंग ऐसी चीज है कि अगर आप खुद भी आते हैं ना इंटर में, 12th स्टैंडर्ड में जब आप खुद आते हैं, तो रैगिंग का ये सीन है कि आपको कुछ भी आपसे सीनियर, हमारे साथ हुआ था कि हम गए थे तो हमें ऊपर बुलाया उन्होंने सीनियर से काफी सारे, तो किसी से गाना सुन लिया, जिसको गाना आ रहा था उससे गाना सुन लिया, किसी को चेयर पे खड़ा करके गाना सुन लिया, कुछ नहीं होता इन चीजों का, कुछ नहीं होता। आज आपके साथ हो रहे ना तो कल आप करोगे, और ये इंजॉय वाली चीजें आपको याद आता है कि यार मेरी फलां सीनियर ने मेरी रैगिंग की थी, और ये यादें बन जाती हैं आपकी। रैगिंग का तो कोई इशू नहीं है, मतलब कनेक्शंस बढ़ जाते हैं, मतलब फ्रेंड्स, मतलब लाइक अगर न्यू किड आया है उसको कनेक्शन बन जाता है, न्यू फ्रेंड्स बन जाते हैं। सही, तो ये बहुत अच्छा मतलब फन लाइफ है। तो हमारा जो सिलसिला था यहाँ पे खत्म होता है। अगर ये आपको सेशन लगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा, तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो पर।